मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। खुलकर सामने आए नीतीश, भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए कमर कसी। नीतीश कुमार अब खुलकर भाजपा के सामने आ गए हैं, उसी तरह जैसे वे पहले कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गए थे। हालांकि अभी से खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन पींगे फूट रही हैं जैसे रात भर पानी में पड़े रहे मुंह में फूटती है। अब वे साफ कह रहे हैं कि उनके पास विपक्षी दलों के खूब फोन आ रहे हैं, वे अब तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे जी जान से। नीतीश छापों पर भी गुस्सा है, उनका कहना है छापे वालों को जनता माफ नहीं करेगी। दरअसल नीतीश के इस तरह गुस्सा होने की कई कारण है। ताजा कारण है, बुधवार को विधानसभा में उनके बहुमत साबित करने के दिन ही महागठबंधन के कई साथियों पर सीबीआई का ताबड़तोड़ छापा। इस छापेमारी की चपेट में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी आए। लोगों को अब पता चल गया कि दिल्ली में भी तेजस्वी यादव का लंबा चौड़ा कारोबार है, मॉल भी बन रहा है, उस पर भी छापा पड़ा। सवाल उठता है कि छापेमारी उसी दिन क्यों जब विधानसभा में विश्वास सम्मत हासिल करना हो। हो सकता है केंद्र सरकार बिहार की जनता को बताना चाहती है कि जिन लोगों ने नई सरकार बनाई है वे और उनके साथ ही कितने भ्रष्ट हैं। हालांकि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सजग है और वो ये बात पहले से जानती ही होगी। ऐसे में सीबीआई के छापे कहीं भाजपा का ही नुकसान कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इतिहास बताता है कि कांग्रेस के पैर जब से बिहार से उखड़े उसके बाद वहां की जनता ने अक्सर स्थानीय राजनीतिक दलों पर ही भरोसा जताया है, राष्ट्रीय दलों में उसका पूरा विश्वास तो नहीं रहा है। बिहार के लोग दरअसल उन्हीं नेताओं को पसंद करते हैं जो उनकी तरह बोले, उन्हीं की तरह दिखे। भाजपा के पास फिलहाल ऐसे स्थानीय नेताओं की कमी है। सच है सीबीआई जैसी एजेंसियां मनचाहा उपयोग हर दल की सरकार में हुआ है, लेकिन समय की नजाकत हमेशा देखी गई। बहरहाल नीतीश का गुस्सा कम नहीं हुआ और उधर हैदराबाद में ओवैसी तमतमा गए हैं। वहां भाजपा विधायक राजा सिंह के खिलाफ ओवैसी ने सड़कें जाम कर दी हैं। उनका कहना है कि जब तक राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाता उनका और उनके लोगों का प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज 24x7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एबीडी न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।